हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 स्टॉक है जो कि अभी मार्केट सिनेरियो पे ये स्टॉक को हम अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। पोर्टफोलियो में लेने के लिए उससे पहले जो क्राइटेरिया सिलेक्शन किया हुआ है, पहले फ्रेंड्स आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेस पे आप उस स्टॉक को एनालाइज करके अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो में सारे जो स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है सब बेहतरीन स्टॉक है, सब मल्टी वैगर स्टॉक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सारे स्टॉक है सबका आरओसी 15 के अबव है, और सारे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कुछ स्टॉक है जो कि इसका बिलो 0.5 डेट है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक क्राइटेरिया सिलेक्शन किया हुआ है, सारे लार्ज कैप स्टॉक है। ये स्टॉक को आप एफडी का कंपैरिजन अगर करेंगे तो ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, सालाना आपको 25-30% का सीजर रिटर्न मिलना ही है स्टॉक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अबॉट इंडिया है फ्रेंड्स। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी में एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक में ऑलरेडी एक 34% का करेक्शन आ चुका है। तो इतना बड़ा सा, मतलब ये लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, यहाँ पे 34% का करेक्शन आ चुका है। अगर हम यहाँ पे आरएसआई की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी 25 पे आ चुका है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में इमिडिएटली हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अगर स्विंग ट्रेड के लिए अगर हमें लेना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहला स्टॉक है। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि इन्फोएज है। इन्फोएज कंपनी में है, जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। अगर आपके पास में ये इन्फोएज नहीं है तो भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं अभी अभी करंट सिनेरियो पे। अभी अगर इसमें बाय करके चलेंगे अबव 50% का आपको गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए काफी दिन से स्टॉक मोमेंटम में था। मैंने आपको तभी बताया था कि ये स्टॉक में कभी ना कभी 200 मूविंग एवरेज के पास में आएगा, तो अभी अभी वो वक्त आ चुका है फ्रेंड्स। अभी करंट मार्केट सिनेरियो पे ये स्टॉक को बिल्कुल बाय कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक मल्टी वेगर स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे 43% का गेन देने का दम रखता है एक साल में, एक बहुत बड़ा मल्टी वेगर स्टॉक है। अगर इसका मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, 2,64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.04% का डेट है। अगर आरएसआई की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 36 आरएसआई अभी चल रहा है। ठीक है, फोर्थ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि कोलपाल है। कोलपाल में भी फ्रेंड्स अभी काफी दिन से करेक्शन पे चल रहा है स्टॉक, जब भागेगा ना फिर उस टाइम पे आप फिर पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो अभी अगर आपको पोजीशन बनाना है, एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी यहाँ पे 92% का आरओसी है, और डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.06% का डेट है। अगर यहाँ पे आप पोजीशन बना के चलते हैं ना, अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे तो भी आपको 25% का गेन है। ठीक है ना, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, इस स्टॉक में भी इमिडिएटली आप पोजीशन बना के चलना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट भी काफी दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा है फ्रेंड्स। ये एक बिंदास स्टॉक है जो कि 10 साल का अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड इसका भी चेक करेंगे तो 30% का अबव सीएजीआर ये रिटर्न दिया है 10 साल में, इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद भी। अभी अगर ये स्टॉक में आप पोजीशन बना के चलेंगे, इसमें 20% का गेन मिल सकता है, ऑल टाइम हाई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स में। एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई भी हमें शक नहीं है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी 27 है, और डेट की अगर बात करेंगे यहाँ पे डेट है 0.32% का डेट है इस कंपनी में फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका रिजल्ट आया है, मैंने लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैंने इस रिजल्ट के बारे में भी चर्चा किया था फ्रेंड्स। ये एक बेहतरीन स्टॉक है, ये एक बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक है। ठीक है ना, अगर आप इसका 10 साल की सीजीआर रिटर्न चेक करेंगे ना, 53% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो सेल्स आया है ना, यहाँ पे 2,300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स आया है। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे, प्रॉफिट देख लीजिए, क्या प्रॉफिट आया, शानदार प्रॉफिट आया है, 772 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 165 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसीलिए मुझे लगता है ऐसा, ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा गेन हमें आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है, जो कि आरती इंडस्ट्रीज है। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में भी कितना परसेंटेज करेक्शन पे हम बाय करके चलेंगे,
तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में अभी 15% का करेक्शन अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है करेक्शन पे। इस स्टॉक को भी हम अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि HDFC AMC है। फ्रेंड्स ये स्टॉक में भी काफी दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो ये स्टॉक को भी आप बिंदास अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें। अगर इमीडिएट टारगेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 3350 तक अगर लेके चलते हैं, यहाँ पे 45% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स। ये एक वीडियो है मैंने आप सबके लिए बनाया हूँ, ये वीडियो जरूर देख लीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में है या तो फिर फैमिली में है जिन्होंने भी अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। वो बढ़िया सा उनको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया सा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर हमें स्टॉक में डायरेक्टली स्टॉक में एंट्री करने के लिए डर लगता है तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएंगे, सब समझाया हुआ है। जरूर ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कीजिए अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है, ICICI प्रोडेंशियल है, जो कि इंश्योरेंस स्टॉक है फ्रेंड्स। इस स्टॉक में भी हमारा पोर्टफोलियो में हम लेके चल सकते हैं। इसका अगर RSI की बात करेंगे, यहाँ पे RSI ऑलरेडी 35 पे आ चुका है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे 14% का ROC है और ये स्टॉक में आपको 34% 35% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। इसका अगर डेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 0.13% का डेट है कंपनी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है फ्रेंड्स, मार्केट लीडर है। तो ये FMCG का मार्केट लीडर है, 5,41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC के बारे में बात करेंगे तो 39% का ROC है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये कंपनी में अभी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो एक बढ़िया सा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तक अगर इस स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ पे 24% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ये स्टॉक में हमेशा ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टॉक में हमेशा ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, कभी कभी आता है। ये मौका को किसी को भी जाने नहीं देना चाहिए, ये स्टॉक को बिंदास आप ले लीजिए, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, तो बिंदास आपको रिटर्न मिल जाएगा। 24% का गेन आपको एक साल तो नहीं लगेगा, उससे पहले भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है, जिन्होंने काफी दिन से इंतजार किए थे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए नेस्ले में काफी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नेस्ले का स्टॉक क्यों नहीं नीचे गिर रहा है, क्यों नहीं नीचे गिर रहा है, वो अभी आ चुका है, अभी 200 मूविंग एवरेज के पास में नेस्ले भी आ चुका है। तो अगर नेस्ले में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो नेस्ले में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो अभी भी ये स्टॉक में अगर अभी ये करेंट सिनेरियो पे बाय करके चलेंगे तो यहाँ पे 12% का गेन मिल सकता है। अगर RSI की बात करेंगे, इस कंपनी का RSI ऑलरेडी 34 पे आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई हमें बिल्कुल भी शक नहीं है। 1,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ROC 139 पे है, ROC है। अगर नेस्ले की बारे में बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 1,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे स्टॉक का पी अभी देखिए 78 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। आप बोलेंगे ये तो ओवर वैल्यू है फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है ना हमेशा ऐसे ही चलेगा, प्रीमियम हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब स्टॉक का क्वालिटी के बारे में बात करते हैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये आप सबको भी पता है। तो यहाँ पे देखिए ROC 139% का ROC है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट कितना है, 0.07 का डेट है, ठीक है। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, बेहतरीन मल्टी वैगर स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो बना के इसमें बताया था, पीफाइजर है। मुझे लगता है ये स्टॉक में भी बढ़िया सा रैली आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था ना उसका रीजन क्या है, इसमें 80% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, पीफाइजर का वीडियो पोस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी मैं इसका वीडियो दे दूंगा, उसका वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि पीडीलाइट है। पीडीलाइट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी 100-day मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है ये स्टॉक। आप बोलेंगे कहाँ है 100-day मूविंग एवरेज, में अभी चेंज करके बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 100 का वैल्यू में पुट करके देखता हूँ, देखिए 100-day मूविंग एवरेज के पास में ये स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक है, एक मार्केट लीडर है और बढ़िया सा मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए।
तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि है वर्लपूल है। मैंने काफी दिन से इसके बारे में बहुत बार बताया हूँ, लेकिन कब स्टॉक भागेगा किसी को नहीं पता। जिस टाइम पे भागेगा ना, उस टाइम पे आप बोलेंगे कि कब बाई करना है। अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो बाई करना है तो बाई करके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है, सॉरी, ये बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस में भी आप बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। ये स्टॉक में भी आप बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स जो कि वर्लपूल है। वर्लपूल को आपको बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी दिन से कंसोलिडेशन में है, बहुत बढ़िया सा रैली दे सकता है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50% तक आपको गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि आखिरी स्टॉक है, 15 नंबर स्टॉक है फ्रेंड्स। ये स्टॉक में भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर ये आपका फेवरेट स्टॉक है, ये स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में भी एक अच्छा सा गेन देने का बिल्कुल दम रखता है। यहाँ पे 38% का गेन मिल सकता है, ऑल टाइम हाई तक बिल्कुल जा सकता है। जब स्टॉक मोमेंटम में भाग रहा था सब उस टाइम पे स्टॉक में पोजीशन बना रहे थे, लेकिन स्टॉक अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है, जो कि अभी हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये स्टॉक में अभी करंट सिनेरियो में बाय करके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।